क्या आप जानते हैं कि माइनक्राफ्ट में एंड डायमेंशन के साथ साथ एक और डायमेंशन ऐड करने का प्लान बना रहे थे जिसे ड्रीम डायमेंशन कहा जाने वाला था। क्या आप जानते हैं कि पहले माइनक्राफ्ट में रेड ड्रैगन भी ऐड किया जाने वाला था जिसको आप विजर की तरह ही स्पॉन करके फाइट कर सकते थे। या क्या आप जानते हैं कि पहले आप माइनक्राफ्ट में टाइम कंट्रोल कर सकते थे। इंटरेस्टिंग राइट। वेल डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग है। और गाइस सिर्फ यही नहीं, ऐसे ढेर सारे और फीचर्स एंड मॉब्स थे जो माइनक्राफ्ट के इन डेव अल्फा एंड बीटा वर्जन्स में हुआ करता था बट अब नहीं होता। अब उन सारे ही फीचर्स को हटा दिया गया है एंड ऐसे कई सारे और फीचर्स थे जिनको माइनक्राफ्ट के किसी अपडेट में लाया गया बट अगले ही अपडेट में उसे हटा दिया गया। और इनमें से कई सारे अपडेट तो फ्यूचर में वापस आने वाले हैं। और अगर आप माइनक्राफ्ट बहुत पहले से खेल रहे हो बहुत पहले से तो ही शायद आपको ये सारे फीचर्स के बारे में पता होगा जो माइनक्राफ्ट ने बहुत पहले ही हटा दिया था। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने फीचर्स के बारे में आप पहले से ही जानते थे। तो क्या गाइस इस वीडियो में हम माइनक्राफ्ट के उन कुछ टॉप 20 फीचर्स या मॉब्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें माइनक्राफ्ट से बिल्कुल ही हटा दिया गया है और आप आज के डेट में इन चीजों को माइनक्राफ्ट में नहीं देख सकते। अब गाइस जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, इससे पहले कि हम इस वीडियो में घुस जाएं, ह्यूज शाउट आउट टू एंड्रो क्रेटोस एस्पार्टन रीजॉइन स्ट्रीम्ड गेमर एस्पार्टन रीजॉइन असली वाला टेक एस्पार्टन रीजॉइन केबी गेमिंग एस्पार्टन आरडीएक्स प्रो एस्पार्टन एमकेजीए के मोबाइल के गेम एस्पार्टन श्याम एस्पार्टन एंड थैंक यू सो मच गाइस इस चैनल का मेंबर बनने के लिए। एंड अगर आप सबको भी इस चैनल का मेंबर बनना है एंड एक्सक्लूसिव पर्क्स का फायदा उठाना है तो आप सब ज्वाइन बटन में दबा के मेंबर इंट्रो वीडियो देख सकते हो। मे बी आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाए। तो आप सब वीपीएन की तलाश में है जो सुपर सेफ हो, सुपर फास्ट हो और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात अनलिमिटेड हो, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। यस स्नो वीपीएन। ये वीपीएन काफी फास्ट है और ये आपके डिवाइस में लैग भी नहीं करेगा क्योंकि ये ऐप बहुत ही लाइट है। ऑल्सो इससे कनेक्ट करने के बाद आपका डाटा 100% सेफ एंड इनक्रिप्टेड रहेगा। तो अगर आप बहुत ही अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप इस वीपीएन को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी ऐसे सर्वर में कनेक्ट करना पड़ता है जो या तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो या तो यहाँ पर आपको उनकी पिंग अच्छी ना आ रही हो, तो इस वीपीएन से आपका काम आसान हो सकता है। इनफैक्ट स्नो वीपीएन में काफी सारे अमेजिंग फीचर्स भी हैं जैसे वन टैप कनेक्शन एंड ब्लॉक साइट एक्सेस। ये कूल है राइट। और ये काफी रैम फ्रेंडली भी है। ये डेफिनेटली प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा और बेटर बनाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस वीपीएन को इजिली डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ड्रीम डायमेंशन। अब गाइस जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि या एंड डायमेंशन की तरह ही माइनक्राफ्ट में एक ड्रीम डायमेंशन भी होने वाला था। अब इसका आइडिया कहां से आया, तो बेसिकली माइनक्राफ्ट में एक फीचर ऐड किया जाने वाला था और उस फीचर के हिसाब से अगर आप रेड कलर के बेड पे सोते हो तो सोने के बाद आप एक अलग ही डायमेंशन में स्पॉन हो जाओगे जिसे बेसिकली ड्रीम कहा जाता है। मतलब वो आपका ड्रीम होगा और उसमें आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड नॉर्मल माइनक्राफ्ट के ऊपर यानी कि स्काई में होगा। आप एक छोटे से घर में स्पॉन होगे और बस यही था ड्रीम डायमेंशन। अब इसी को एंड डायमेंशन की तरह ही माइनक्राफ्ट में एक न्यू डायमेंशन बनाने वाले थे, मतलब कि आप इस डायमेंशन में जा सकते हो, बट ऐसा हो ना पाया। इनफैक्ट माइनक्राफ्ट में ड्रीम डायमेंशन को एज अ ड्रीम भी ऐड नहीं किया गया। सो सैड। वाटर एंड लावा ऑलवेज फ्लो। अब माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन्स में अगर आप वाटर एंड लावा को कहीं भी छोड़ देते थे तो एक तरह से वो इनफिनाइट वे में फ्लो करने लगता था, मतलब कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो किसी वॉल में ना टकरा जाए। और सीरियसली उन पुराने दिनों में अगर आपने कहीं गलती से वाटर या लावा छोड़ दिया तो बहुत मेस क्रिएट हो जाता था सीरियसली, एंड इससे काफी बार गेम भी क्रैश हो जाता था। गियर ब्लॉक। और गियर ब्लॉक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इन डेवलपमेंट वर्जन ऑफ माइनक्राफ्ट में बट इसको ना तो अल्फा और ना ही बीटा वर्जन में भी लाया गया। मतलब सीरियसली गियर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टफ हो सकता था माइनक्राफ्ट में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप गियर का यूज करके रेडस्टोन को ऊपर की तरफ भी फ्लो करवा सकते थे। मतलब आप सब जानते हैं गियर से आप काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स भी बना सकते थे बट थैंक गॉड इसे ऐड नहीं किया गया।
क्रीपर्स डू नॉट एक्सप्लोड। अब गाइस ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर था, फीचर तो नहीं था बट क्या कहें। तो होता कुछ ऐसा था कि माइनक्राफ्ट के इन डेवलपमेंट वर्जन में अगर आप क्रीपर को हिट करते हो या फिर क्रीपर आपके पास आता है तो क्रीपर फूटेगा नहीं, इनफैक्ट क्रीपर एक हॉस्टाइल मॉब की तरह आपको हाथों से मारेगा। सीरियसली क्रीपर वो भी हाथों से, एंड क्रीपर तभी एक्सप्लोड करेगा जब क्रीपर मरेगा। ओ यस, तो ये एक काफी ट्रेडिशनल वे में दिखाया गया था बट इसका आइडिया चेंज करके ऐसा रखा गया कि क्रीपर कभी भी हैंड टू हैंड फाइट नहीं करेगा, वो आपके पास आएगा और फट जाएगा। इनहैंस्ड गोल्डन एप्पल। गाइज सीरियसली इस फीचर को अच्छा हुआ माइनक्राफ्ट वालों ने हटा दिया। आप सब गोल्डन एप्पल की पावर तो जानते हो। यस, ये माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट आइटम है, एंड अगर आप गोल्डन एप्पल कलेक्ट कर लेते हो और आपका कोई दोस्त इसे फूड समझ के खा लेता है तो आपको मजबूरन अपने उस दोस्त को मारना पड़ता है। सीरियसली ये इतना रेयर है। बट पहले माइनक्राफ्ट में इनहैंस गोल्डन एप्पल भी हुआ करता था, यानी कि आप गोल्डन एप्पल को इनहैंस भी कर सकते थे। वाओ, और गाइस ये इनहैंस गोल्डन एप्पल इतना ज्यादा ओवर पावर्ड आइटम था कि इसको खाने के बाद आप लावा में काफी टाइम तक सरवाइव भी कर सकते थे। तो डेफिनेटली इसे हटना ही था, इतनी ओवर पावर्ड चीज माइनक्राफ्ट में अच्छी नहीं लगती। कैमरा इन पॉकेट एडिशन। अब गाइस पहले पॉकेट एडिशन में कैमरा भी इंट्रोड्यूस कराया गया था ताकि लोग पॉकेट एडिशन में अपने गेम का स्क्रीनशॉट ले सकें। अब आज के टाइम में तो जाहिर सी बात है वो कैमरा यूजलेस ही था, बट पुराने फोन्स में स्क्रीनशॉट लेना उतना इजी नहीं था। इनफैक्ट बहुत सारे फोन्स में तो स्क्रीनशॉट का सिस्टम ही नहीं था, गेम में ये पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए उस वक्त कैमरा इंट्रोड्यूस कराया गया था ताकि गेम में ही बहुत ही सिंपल वे में प्लेयर्स स्क्रीनशॉट ले सके गेम के। बट जाहिर सी बात है इसे हटाना ही था, आज ऐसा कोई भी यूज नहीं है। प्लेयर अटैक डिफेंस एंड स्पीड स्टैट। अब गाइस माइनक्राफ्ट के अल्फा वर्जन में अगर आप इन्वेंटरी खोलते हो तो आपके प्लेयर के बगल में आपके प्लेयर के स्टैट्स लिखे रहते थे, लाइक स्पीड डिफेंस एंड अटैक। शायद वो लोग इसको एक आरपीजी गेम समझ रहे थे बट सीरियसली इसका कोई भी यूज नहीं था। हीरोब्राइन। अब गाइस डेफिनेटली हीरोब्राइन को तो इस लिस्ट में आना ही था। अब चाहे आप हीरोब्राइन को एक अर्बन लेजेंड कहें या आप इसको सही मानते हो ये टोटली आप पे डिपेंड है, बट ये एक ऐसा मॉब था जिसे विलिंगली हटाया जा रहा था, वो भी एक बार नहीं बार बार, क्योंकि मोजैंग वाले ये क्लेम कर रहे थे कि हट चुका है बट लोग क्लेम कर रहे थे नहीं ये वापिस आ गया, एंड उन्होंने इसे मल्टीपल टाइम्स हटाया है। सो या हीरोब्राइन इस लिस्ट में तो आना डिजर्व करता था। फॉल डैमेज साउंड। अब गाइस डेफिनेटली माइनक्राफ्ट में जब आप ऊपर से नीचे गिरते हो और फॉल डैमेज लेते हो तो जैसा आप आज साउंड सुनते हो वैसा बहुत पहले नहीं हुआ करता था। बहुत पहले कुछ ऐसा साउंड आता था जैसे आपके पैर की हड्डियां टूट गई हैं, और ये काफी क्रीपी भी लगता था सुनने में। एंड सीरियसली इसे हटा के इस साउंड इफेक्ट को चेंज किया गया, और हाँ आज जो आप साउंड इफेक्ट सुनते हो वो कहीं ज्यादा बेटर है। अब गाइस बहुत पहले माइनक्राफ्ट में एक ऐसा सिस्टम भी हुआ करता था जहाँ पर आप वर्ल्ड क्रिएट करते समय एक ऐसा वर्ल्ड भी क्रिएट कर सकते हो जहाँ वाटर लावा में चेंज हो जाते थे एंड ग्रास डस्ट में, और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट डीम हो जाता था और कोई भी स्काई नहीं था। माइनक्राफ्ट में आप पहले एक ऐसा वर्ल्ड सिलेक्ट कर सकते थे और उस वक्त ना दिन होता था ना रात होता था, हर वक्त मॉब्स स्पॉन होते रहते थे। एंड गाइस या आज की डेट में उसी चीज को चेंज करके नाम दिया गया नेदर का, तो आप सब जान गए कि नेदर किस फीचर को हटाकर आया है। ब्रिक पिरामिड। अब गाइस ये फीचर बिल्कुल ही यूजलेस था, आपको आपके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में रैंडमली ब्रिक पिरामिड्स दिख जाते थे जो कि बिल्कुल ही यूजलेस थे, इनका कोई काम नहीं था, और सीरियसली जब इनका कोई काम ही नहीं था एंड ये दिखने में भी काफी ज्यादा अजीब लगते थे। तो यार माइनक्राफ्ट ने अपना एक वाइस डिसीजन लिया और इस फीचर को हटा दिया। सीरियसली ब्रिक पिरामिड। तो गाइस माइनक्राफ्ट के बीटा वर्जन में आप नेदर पोर्टल को कहीं भी स्पॉन कर सकते थे F4 दबाकर। आज चीजें इतनी आसान क्यों नहीं है। यू कैन कंट्रोल टाइम इन माइनक्राफ्ट। यस सही सुना, माइनक्राफ्ट के इन डेवलपमेंट वर्जन में आप टाइम को भी कंट्रोल कर सकते थे, वैसे नहीं जैसे आप आज कर सकते हो बिना किसी कमांड का यूज किए। ये एक इन गेम फीचर हुआ करता था जस्ट लाइक विचर एंड अदर गेम्स, जहाँ पर आप मेडिटेट करके टाइम को पास कर सकते हो, सेम माइनक्राफ्ट में भी आप टाइम को आगे या पीछे भी कर सकते थे। तो बेसिकली इसको हटाना ही चाहिए था और हटा भी दिया गया क्योंकि इससे सर्वाइवल का मजा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। सो अनदर वाइज डिसीजन, ग्लास पिलर टू मार्क लोकेशन। गाइस कई बार आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप किसी एक जगह पर अपना घर बनाते हो और वहाँ से काफी दूर चले जाते हो। हाँ आप कोऑर्डिनेट्स भी देख सकते हो, बट क्या होगा अगर आप कोऑर्डिनेट्स नोट करना ही भूल गए हो। तो या माइनक्राफ्ट में पहले एक ऐसा फीचर हुआ करता था जहाँ पर आप ग्लास पिलर लगा सकते थे बहुत बड़ा, और ये आपको बहुत दूर से दिख जाता था, तो आप अपने घर या किसी भी एक्सप्लोर्ड लोकेशन
पे ये एक पिलर लगा सकते थे जिससे आपको पता चलता रहता कि आप कहां से आए हो और आपको कहां जाना है। अच्छा वो इस फीचर को भी हटा दिया गया, नहीं तो आज के टाइम पे स्पीड रनर्स इसे गलत इस्तेमाल करते हैं। राइट, सैडल एंड हॉर्स आर्मर रेसिपी। अब आज की डेट में आप सैडल तो बना सकते हो बट इसकी कोई रेसिपी नहीं होती, बट पुराने माइनक्राफ्ट के वर्जन में सैडल एंड हॉर्स आर्मर की प्रॉपर रेसिपी हुआ करते थे, बट आज के टाइम में इस चीज को हटा दिया गया है। अब इन दोनों ही चीज की कोई भी रेसिपी आपको नहीं मिलेगी माइनक्राफ्ट में। मॉब्स फेयर क्रीपर। अब आज के टाइम में आप देखते हो कि चाहे क्रीपर ज़ॉम्बी के पास रहे या दूर रहे, क्रीपर ना फूटते हैं और ना दूसरे मॉब्स क्रीपर से डरते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले क्रीपर को ऐसा दिखाया जाता था कि वो किसी के लिए भी फ्रेंडली नहीं है। इनफैक्ट अगर वो ज़ॉम्बी से भी इंटरेक्ट करे तो वो फट जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा तो क्रीपर हर वक्त फटता ही रहेगा, तो नहीं, इसी रीजंस की वजह से ज़ॉम्बीज भी क्रीपर से दूर रहते थे। एंड अगर आप किसी क्रीपर को ज़ॉम्बी के पास ले आओ तो ज़ॉम्बी क्रीपर से डर के दूर भाग जाते थे। आई डोंट नो इस फीचर को आज के डेट में क्यों हटाया, बट ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर था। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टर्न ऑन 3D मोड। अब माइनक्राफ्ट में पहले एक ऐसा प्रॉपर ऑप्शन रहता था सेटिंग में जहां पर आप 3D मोड को ऑन कर सकते थे, यानी कि अगर आपके पास 3D ग्लासेस होते हैं, जो कि जाहिर सी बात है सबके पास नहीं होते, लेकिन अगर होते तो आप इस चीज को ऑन करके माइनक्राफ्ट का और भी ज्यादा मजा ले सकते थे। बट हाँ, अच्छा हटा दिया। रोजेज इन माइनक्राफ्ट। अब डेफिनेटली अगर आप माइनक्राफ्ट के बहुत पुराने प्लेयर हो तो आपको पता होगा कि पुराने माइनक्राफ्ट के वर्जन में रोजेज हुआ करते थे। यस, रोजेज, बिल्कुल पॉपीज की तरह। मतलब कि जो प्लांट आपको आज की डेट में दिखता है रेड कलर का, इसे पॉपी कहते हैं। ये है पॉपी और पुराने माइनक्राफ्ट वर्जन में ये था रोज। एक सेकेंड, थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये था पॉपी और ये था रोज। और इसी कंफ्यूजन की वजह से माइनक्राफ्ट ने रोज को ही हटा दिया। अच्छा वो हटा दिया, नहीं तो साला आज भी कंफ्यूजन होता। वैसे शायद ये पॉपी है और ये रोज है, राइट? जायंट ज़ॉम्बी इन माइनक्राफ्ट। अब गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग माइनक्राफ्ट का फीचर हुआ करता था, वो भी अल्फा वर्जन में, और इसे 2009 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जहां पर माइनक्राफ्ट में बहुत ही रेयरली आप जायंट ज़ॉम्बी से इनकाउंटर कर सकते थे, और सबसे बुरी बात क्या है पता है, वो जायंट ज़ॉम्बी आप पे अटैक कर सकता था। सीरियसली, अच्छा वो इस फीचर को भी हटा दिया, नहीं तो पता नहीं आज के टाइम में एक न्यू माइनक्राफ्ट प्लेयर क्या करता। सपोज कि मैं एक न्यू माइनक्राफ्ट प्लेयर हूँ और मैंने अभी अभी माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट किया है, एंड मैंने स्टार्ट करते ही इनकाउंटर कर लिया इस भाई साहब से। मैं तो माइनक्राफ्ट खेलना ही छोड़ दूंगा। और गाइस ये जायंट ज़ॉम्बी सीरियसली 12 ब्लॉक हाई था। 12 ब्लॉक, ओ माय गॉड। अब फाइनली हम बात करेंगे उस फीचर की, ना उस अमेजिंग फीचर की जिसको ना कभी ऐड किया गया और ना कभी रिमूव किया गया। एक तरह से ये समझ लीजिए आपके लिए बोनस फीचर है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, बट इसको भी ड्रीम डायमेंशन की तरह ही माइनक्राफ्ट में ऐड करने वाले थे, और ये है डेफिनेटली रेड ड्रैगन। अब गाइस सुनने में ये बहुत ही ज्यादा एपिक लग रहा है, और हाँ ये एपिक है भी। तो बेसिकली सीन कुछ ऐसा था कि जब आप एंडर ड्रैगन को मार दोगे और आपको एंडर एग मिलेगा, तो आप उस एंडर एग का यूज करके एक रेड ड्रैगन को बॉर्न करवा सकते थे। अब हाँ ये सुनने में थोड़ा थोड़ा विदर की तरह लग रहा है, आप विदर को भी स्पॉन करवा सकते हो फॉर एक्स्ट्रा चैलेंज। तो इस रेड ड्रैगन का भी कुछ ऐसा ही पर्पस होने वाला था, एक एक्स्ट्रा बॉस, बट ऐसा कभी हुआ नहीं, ये ख्याल खाली ख्याल ही रह गया। बट सीरियसली गाइस सोचिए अगर ऐसा होता तो माइनक्राफ्ट में दो ड्रैगन्स होते हैं, एंड्रो ड्रैगन एंड ये रेड भाई साहब ड्रैगन। तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने फीचर्स के बारे में आप पहले से ही जानते थे, और गाइस एक लाइक तो बनता है। और हाँ हाँ जरा रुकिए, ये देखिए मैं ये साफ साफ देख पा रहा हूँ कि आप में से काफी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑडियंस मेरी वीडियोस को देखती है, एंजॉय करती है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक। तो वो 75.9% लोग प्लीज वो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दो। वेल, अगर आपको फ्यूचर में मे बी मेरी वीडियोस ना अच्छी लगे तो आप सीरियसली अनसब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ओके? बट अगर आपको चार्जेस लगवाने हैं, आपका शौक हो रहा है चार्जेस लगवाने का, तो आप ज्वाइन बटन पर दबा सकते हो और मेंबर इंट्रो वीडियो देख सकते हो, मे बी आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाए। और हाँ, हमें डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर लें, यहाँ पर मैं आता रहता हूँ और आप सबसे बात करता रहता हूँ। तो गाइस फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।